ये सिनेमा हॉल वाले, ये मल्टीप्लेक्स वाले आखिर ये पैसे कमाते कैसे? ये जो टिकट का पैसा अपन देते हैं, ये सिनेमा हॉल वाले की जेब में जाता है या मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी जेब में जाता है? ये जो इंटरवेल में 10 रुपए के पॉपकॉर्न के भाई साहब 250 रुपए लेते हैं, ये पैसा किसकी जेब में जाता है, मल्टीप्लेक्स की या डिस्ट्रीब्यूटर की? और ये पॉपकॉर्न के, पेप्सी के और टिकट के अलावा और भी कोई जरिया है जिससे ये सिनेमा हॉल वाले पैसे कमाते हैं? क्या सिनेमा हॉल वालों का धंधा प्रॉफिट का है या नुकसान का? अगर ये 100 रुपए कमाते हैं, उसमें से कितने रुपए टिकट के होते हैं, कितने रुपए फूड के होते हैं, कितने रुपए अदर सोर्सेस से आते हैं, और ये अदर सोर्स क्या है? तो इस चैनल की खास जनता का एक बार फिर स्वागत है आज के एपिसोड में, जहां पे हम आम जनता की तरह एंटरटेनमेंट डिस्कस नहीं करते, खास जनता की तरह इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट डिस्कस करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो काम की भी हो। तो करते हैं इंफोटेनमेंट के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत। तो सबसे पहले तो आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम पैसा कैसे कमाती है, उस वीडियो पे 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मेरा एक वीडियो इस पे गया कि आईपीएल पैसा कैसे कमाता है, एक वीडियो गया कि बॉलीवुड पैसा कैसे कमाता है। तो फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर जी एक काम करो ना, ये भी बताओ ना सिनेमा पैसे कमाता है। तो उस सीरीज का तीसरा वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। और भी कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको लगता है इंटरेस्ट हो कि यार ये पैसा कैसे कमाते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे एक सिनेमा हॉल वाला, मल्टीप्लेक्स वाला अपने पैसे कमाता है। सोर्स नंबर 1, टिकट की सेल। तो टिकट की सेल में आपको लगता है कि टिकट का जितना पैसा है तो सिनेमा हॉल वाले का होता होगा? नहीं जनाब, उनका पैसा नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो प्रोड्यूसर से मूवी खरीदता है और सिनेमा हॉल वालों को देता है, उसका इसमें बकायदा शेयर होता है। और ये शेयर कैसे बढ़ता है, इस पे लेके अलग अलग के अलग अलग व्यू हैं, पर जो मोटा मोटी व्यू है वो ऐसे होता है कि पहले हफ्ते की जितनी भी अर्निंग है वो 50-50 बढ़ती है। तो हम कहते हैं कि बॉक्स ऑफिस में अब की बार इस वीकेंड पे इस मूवी ने 50 करोड़ का कलेक्शन किया, तो 50 करोड़ भैया पूरे सिनेमा हॉल वालों के जेब में नहीं जाते, वो 25 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाता है, 25 करोड़ सिनेमा हॉल वाले लेके जाते हैं। अब अगले हफ्ते क्या होता है, अगले हफ्ते से प्रोड्यूसर का रोल थोड़ा सा घट जाता है, सपोज 5% घट दिया, तो किसी जगह ये 2.5% घटता है, किसी परसेंट 5% घटता है, तो ऐसे चलता है कि सेकेंड बार में क्या होगा, सिनेमा हॉल वाले को मिलेंगे 55 रुपये, 45 रुपये जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। थर्ड हफ्ते में पिक्चर चली गई तो सिनेमा हॉल वाले को मिलेंगे 60 रुपये और 40 रुपये जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो जैसे जैसे पिक्चर लंबी चलती जाती है, सिनेमा हॉल वालों की इनकम बढ़ती जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम थोड़ी सी कम होती जाती है। तो पिक्चर जितनी लंबे समय तक चलेगी उतना ज्यादा फायदा सिनेमा हॉल वाले को है, डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा समय के साथ थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, बट टिकट के 100% पैसे उसकी जेब में नहीं जाते, ये भ्रम आपका दूर हुआ। अभी आपके कंफ्यूजन हो कि सर प्रोड्यूसर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर क्या हुआ, तो सर बॉलीवुड पैसा कैसे कमाता है इस पे पूरा अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, जाओ और अभी चेक करो। सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है मल्टीप्लेक्स का, वो आता है भैया आपकी प्यारी कैंटीन से, जहां पे आप कहते हो भैया 10 रुपए का पॉपकॉर्न या 250 रुपए का देते हैं, जहां पे 20 रुपए का समोसा 200 रुपए का दिया जाता है, वहां से इनकी इनकम का सोर्स आता है सेकंड सोर्स। जो छोटे सिनेमा हॉल होते हैं वो क्या करते हैं, इनको आउटसोर्स कर देते हैं, किसी कैंटीन वाले को बोला भैया तेरे से इतने रुपए का ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, 5 लाख रुपए महीने तू हमें दे और यहाँ पे स्टॉल लगा, जो माल बिके सब तेरा, हमको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। तो कई छोटे जो सिनेमा हॉल है वो ऐसा कर लेते हैं, और जो बड़े सिनेमा हॉल है वो कहते हैं नहीं भैया हम खुद का शेफ रखेंगे, खुद के वेटर रखेंगे, क्योंकि इसमें कमाई बहुत ज्यादा है। और इनमें एक छोटी मोटी ट्रिक है, इस पे एक मेरी शॉर्ट्स भी है कि भैया क्या होता है कि जो पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है 100 रुपए की बेचते हैं, तो कोर्ट ने पंगा कर दिया, कोर्ट बोला भाई 20 की बोतल 100 में कैसे बेचते हो, तो उन्होंने क्या किया, सिनेमा हॉल ने खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया और उस पर MRP लिखी 100 रुपए। अब तो भैया गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये दुनिया भर की ट्रिक्स फॉलो करते हैं आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालने के। तीसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो पहले नहीं था, अब बहुत बड़ा हो चुका है, वो है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप नोटिस करेंगे भाई 3 बजे की मूवी है, आप अगर 3:10 पे भी पहुंचेंगे आपकी मूवी निकलती नहीं है, क्यों, 15 मिनट तो ऐड ही आ रहे होते हैं। इन सभी ऐड का भैया जो पैसा है वो सिनेमा हॉल की जेब में जाता है। चौथा जो ये पैसा कमाते हैं, ये छोटे सिनेमा हॉल वाले नहीं कमा पाते, मल्टीप्लेक्स वाले ये पैसा कमाते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी बुक माई शो से आपने टिकट किया और वो जो कन्वीनियंस चार्ज लगता है, उस चार्ज में बुक माई शो या जितने भी ऐसे टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या क्रेडिट कार्ड वाले हैं, थोड़ा थोड़ा कमीशन इनको पास ऑन करते हैं। तो ये मल्टीप्लेक्स वालों को तो मिल जाता है, बाकी को ये नहीं मिल पाता। उसके अलावा बहुत सारे अदर सोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बच्चे की बर्थडे पार्टी करनी है, मैंने कहा मेरा छोटा सा 50 सीट का सिनेमा बुक कर दो, सभी बच्चों को मैं मूवी दिखा रहा हूँ। तो कई बार जो प्राइवेट शोज की बुकिंग होती है उनसे भी ये काफ़ी लोग पैसा
कमाते हैं। तो कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी एक सिनेमा हॉल अपने 100 रुपए अगर कमाता है, ऑन एन एवरेज 50 रुपए टिकट से कमाता है, 25 से 30 रुपए वो अपने खाने से कमाता है, और 15 से 20 रुपए के लगभग का जो एवरेज है उसका वो एडवर्टाइजिंग से आता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कोई ऐसी चीज है जो मैंने मिस कर दी, और कोई ऐसी चीज जिसमें आपका और सवाल है कि सर ऐसे भी तो कमाता है वैसे भी तो कमाता है, तो जो सोर्स मैं भूल चुका हूँ मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये भी मुझे बताना क्या ये बातें आपको पहले से पता थी या इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखी है। तो आपका प्यार बना रहे, और ये जो सीरीज का तीसरा वीडियो है, मेरा मानना है सीरीज में कम से कम 20 से ज्यादा वीडियो आने चाहिए कि अलग अलग चीजें, कि बैंक पैसे कैसे कमाती है, सरकार कैसे कमाती है, ये जोमेटो कैसे कमाती है, इन पे वीडियोज आने चाहिए। तो कुछ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ जिस पे रिसर्च मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं, या इंडस्ट्री नहीं आप कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि सर इस कंपनी के बारे में बताओ, तो मैं इस पर रिसर्च करूंगा और आपके सामने जबरदस्त वीडियो लेके आता रहूंगा। तो अब तक प्यार देने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।